आजमाइश का क्या चैलेंज था आजमाइश का चैलेंज यही था कि उसमें काफ़ी मार मारपीट वाले सीन्स थे oh. और बीच में कोई थर्ड डे था मेरा शूट का और ना उसमें हम लोग एक सीन शूट कर रहे थे जिसमें मेरा बाजू जो है वो डिसलोकेट हो गया oh कि वो खींचा तानी वाला सीन ah. था और मैं ना बोल रही थी कि मेरे में इतनी नहीं है प्लीज माइंड करें <laughs> नहीं रियल एक्टिंग नहीं करनी है ये आप ना एक्टिंग करें इसको ah. तो जब वो नहीं हो सका कि लास्ट जब हमारा शॉट एक रहता था और मुझे तब रियलाइज हुआ कि मेरा हाथ मूव नहीं कर पा रही मैं oh, फिंगर्स oh. भी मूव नहीं हो रही हाथ भी मूव नहीं हो रहा और पेन है बहुत ज़्यादा mm -hmm. तो पहले तो मैंने वो सीन के अंदर थी रो रही थी तो उसके बाद मेरा रियल वाला रोना निकलना हो गया और मेरा जो डायरेक्टर है फजर ही केम टू मी एंड सेट कि क्या हुआ है क्या अच्छा चले आ जाए सीन कर ले उसको लगा कि शायद मैंने कोई वैक्स हाँ। लगाई हुई है और मैं आंसू निकली जा रहे हैं हाँ। और मैं कह रही हूँ नहीं, नहीं, नहीं। नहीं रोना और, और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है ये क्यों हाँ। रो रही है फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो वो वहाँ पे ना डायरेक्टर्स और टीम को भी थोड़ी सी डांट पड़ी डॉक्टर से वो कह रहे हैं आप कैसी शूट कर रहे हैं आप लोगों के बाजू निकाल रहे हैं इनका बाज़ू डिसलोकेट हो गया <laughs> और फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे इंजेक्शंस लगे और मुझे इतना रोना आया वहाँ पे <laughs> इतना रोई और दिल चा कि इन सबको पकड़ के मैंने कहा भी था कि नहीं मेरे साथ ऐसे करो नहीं करो लेकिन उसके बाद खैर पूरी रात हम लोगों की वो काली हो गई हम लोग हॉस्पिटल में थे फिर वो थेरेपी कुछ की उन्होंने दो दिन तक वो हुई और फिर उसके बाद जाके काफ़ी पेनफुल हो। होता है बहुत पेनफुल था कि अब आके और काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि एक सीन में ना वो था कि मुझे ना मेरे बाजू से खींचना था और थप्पड़ पड़ना था तो उसमें मैं अम्मी के साथ हूँ और ना खींचा तो वो मेरे बाल हाथ में आ गए <laughs> मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे बालों का इतना खर्चा उनके हाथों में था और मैं निकाल निकाल के दिखा रही हूँ और ऐसे oh और फिर मैंने प्रोडक्शन में वैसे किया मेरे से नहीं हो रहा ये बहुत मुश्किल स्क्रिप्ट है <laughs> बहुत मारपीट है <laughs> और ना माइंड नहीं कर पा रहे सब तो मुझसे नहीं हो पा रहा मुझसे मैं पेन में हूँ कॉन्स्टेंट फिर उसके It बाद is? आगे काफ़ी कुछ ऐसे सीन्स आए जिसमें फिर थप्पड़ छप्पड़ थे मुँह पे पकड़ना था फिर मैंने कहा नहीं हाँ। आप लोग तो घर चले जाएंगे बाद में मैं हॉस्पिटल में बैठी भी होंगी <laughs> नहीं मैं पज़े? नहीं कर सकती मेरी अच्छी बली जिंदगी चल रही है हाँ। और मैं नहीं चाहती हूँ अच्छा, हाँ। कुछ ना एडवेंचरस चीजें होती है ना तो हाँ। मैं कहती हूं कि यार अच्छी बली जिंदगी चल रही है मैं पहुंच जाऊँ <laughs> अपनी हड्डी तोड़वा लो और फिर उसके बाद क्योंकि क्या हुआ मेरे साथ ये तो लाइफ का एक्सपीरियंस है तो मैं थोड़ा सा डरती हूँ और मैं जैसे गाड़ी भी कभी चलाऊँ तो मैं अपनी स्पीड पर चलाती हूँ बेशक कोई रोता रह जाए कि लेट हो रहे हैं जल्दी चलाओ ये वो मैं कहती हूँ ना मैं तो आराम से ही चलाऊंगी अच्छी वाली शक्ल मिली हुई है अल्लाह तला का शुक्र है और मैं कुछ ऐसा करूँ कि एक्सीडेंट हो जाए और चला जाए मेरी वजह से ये बात है तो मैं कभी भी उन चीजों की तरफ नहीं जाती हूँ थोड़ी सी डर भोगी लेकिन मुझे लगता है आई थिंक लड़कियों के लिए बड़ा है, अगर हाथ में अपने बालों का गुच्छा देख ले तो वो सीन हो नहीं रोना आ रहा है बाल उतर हाँ के हाथ में आ गए थोड़ा इशू नहीं था कि इतना ज्यादा वायलेंस दिखा रहे और ये मारपीट और इतना ज्यादा तो उस पर आपने कुछ बोला नहीं है कुछ बोला नहीं मैंने कहा नहीं अब नहीं हाँ अब नहीं हो सकता हाँ। और क्योंकि आ, मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि उस स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा है कि माँ जो है वो सिर्फ घर के लिए कि घर में इज्जत से हाँ। रह रहे हैं उस वजह से दबी हुई है बातें सुन रही हैं चीज़ें हाँ। कर रही हैं लेकिन जो निमरा है कैरेक्टर वो चाहता है कि मैं स्ट्रांग हूँ हाँ। पढ़ी लिखी हूँ आप हिम्मत करें मैं कमाऊंगी हाँ। मैं आपको घर पे भी रखूंगी मैं सारे खर्चे उठाऊंगी पर एक दफा मेरी बात सुन लें तो मतलब कि उसके अंदर इतनी पावर है वो इतनी भी नहीं है कि वो रोती रहेगी सुनती रहेगी अगर कहीं सुन भी रही है तो माँ की वजह से सुन रही है तो उसके कहीं ना कहीं मेरे रिएक्शन भी आए कि अगर बहन कुछ कह रही है तो वो सुना भी देती है स्ट्रेट फेस करके बात कर देती है अपनी yeah, yeah. फिर जब वो थोड़ा सा आगे से रिएक्शन आता है तो डर भी जाती है कि अच्छा सॉरी <laughs> तो वो वाला सीन है उसका आ, वो भी अभी आई थिंक उसका भी एक जर्नी है जो आगे जर्नी है वो अभी तो शुरू का हाँ. है आगे जाके विल आई एम श्योर विल सी मोर डेवलपमेंट इन हर कैरेक्टर मुझे मुझे हमेशा यही होता है कि जो भी कैरेक्टर मैं कर रही हूँ उसमें से किसी को कुछ सीखने को मिले hmm. जैसे मैंने गुलो गुलजार किया था तो मुझे पहले गुल का कैरेक्टर ऑफर हुआ था तो मैंने पढ़ा तो ना मैंने गुलजार का जब पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये तो स्ट्रेट है बस एक लड़की है और वो इस तरह की तो मैंने कहा नहीं ये स्ट्रेट नहीं है ये बेवकूफ़ लड़की है हाँ। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है exactly. ये मुझे करना है uh. कि मैंने अपने एडग बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो बेवकूफ हैं यू आर सो राइट जिनको समझ ही नहीं आती uh. कि आप उनको कोई बात बताएंगे भी ना तो वो नहीं समझेंगी उनको समझ ही नहीं आती yeah. तो वो लड़की जो थी कि जो बार बार अपनी दोस्त पे यकीन कर लेती है घर yeah. खराब कर रही है अपना उसके कहने पे घर छोड़ के भागने भी लगती है तो ये सब बेवकूफ लड़कियां करती हैं और शेड्स थे कि अपनी चीज अच्छी है सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन दूसरे से इंस्पायर हो रही है जो कि गलत है जो गलत चीज कर रही है उससे इंस्पायर होकर अपना भी बेड़ा गर्क कर रही है उस चीज में तो वो मुझे लगा कि यार ये जो है इससे लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा कि बेवकूफ और मैंने वो प्ले भी ऐसे किया था कि ना वो फेस भी ऐसा था उसके अंदर <laughs> कि बेवकूफ हूं मैं बहुत बड़े बट यू आर सो राइट